हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आते हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके में निशान आ रहा है, कोई लड़की बोल रही है आपके में, तो आवाज़ तेज कर देती ताकि आपको सुनाई दे। तो देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास तो ओप्पो का फ़ोन है एंड इन्हें हटाने के लिए टॉकबैक को वो बताऊंगी इसमें। और जैसे कि इस प्रकार से हम करते हैं, मतलब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगी इसमें। और फ्रेंड्स, आपको स्लाइड करने पहले यूज़ करना बताऊंगी, तब इसे हटाएंगे। और ये लॉक स्क्रीन पे भी लगा होगा और इसे हम टॉकबैक प्रॉब्लम कहते हैं। आपका स्लाइड भी नहीं होगा, किसी ऐप पर क्लिक नहीं होगा, बार बार निशान आएगा। देख सकते हैं कितना हैंग करता है इस प्रॉब्लम होने के कारण, ऑटोमेटिक लग जाता है। और इन्हें हटाने के लिए इस प्रकार से मतलब स्लाइड यूज़ करने बता दी थी पहले, तब इसको हटाएंगे। तो स्लाइड करने के लिए आपको इस प्रकार से करना है, टू फिंगर को एक साथ प्रेस करके, मतलब इस प्रकार से टू फिंगर को एक साथ स्लाइड करेंगे इस प्रकार से। एंड इसके बाद किसी ऐप को ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, निशान आ जाएगा। जैसे कि सेटिंग, मतलब मैं सेटिंग को ओपन करके दिखा दी गया फाइल को। एंड जब निशान आ जाएगा, देख सकते हैं ग्रीन रंग का निशान आएगा, देख सकते हैं इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन रंग का निशान आ रहा था, आप उस पर एक बार निशान आ गया। और इसके बाद एक ही फिंगर से आपको डबल टैप क्लिक करना है इस प्रकार से, एंड आपका ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ओपन हो चुका है। और इसे होम करने के लिए एक बार क्लिक करें, निशान आ गया, और इसके बाद उससे ही पर डबल टैप क्लिक कर देंगे और ये होम हो जाएगा। एंड इस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, अब इन्हें हटाना। तो उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, निशान आ गया, और इसके बाद आपको डबल टैप करना है एक ही फिंगर से इस प्रकार से, एंड आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से स्लाइड करें तो आपको ये वाला ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग्स का, तो आप उस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक कर, एक बार क्लिक हो गया, निशान आ गया उसमें। अगर निशान नहीं आता तो दोबारा क्लिक करें, निशान नहीं आएगा तो आप डबल टैप नहीं क्लिक कर पाएंगे, मतलब नहीं होगा ओपन। तो जब निशान आता तब उसके ऊपर आप एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और आपका ओपन होगा। और इसके बाद इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखता है एसेसिबिलिटी का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहीं पर दिखेगा टॉकबैक, आप इस पर क्लिक करें और ओपन करेंगे इस प्रकार से, ऑफ कर दें एंड स्टॉप पे क्लिक करें। अगर पहले से निशान है तो उस पर डबल टैप क्लिक कर दें और इस प्रकार से स्टॉप करेंगे। एक बार क्लिक है फिर डबल टैप क्लिक करेंगे। थोड़ा हैंग भी हो रहा है फ़ोन, इसलिए ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। और ये आपका टॉकबैक ऑफ हो चुका है, और इसके बाद आसानी से बैक कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।